हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम लेकर आया हूँ जो खेला है अर्जुन इरिगेसी ने इन चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स ओपन 2023, और ये है उसका फाइनल राउंड। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस गेम में विन के साथ साथ अर्जुन ने गुकेश के साथ पॉइंट्स में टाई कर लिया था और अपना स्पॉट फिक्स कर लिया था सेकेंड प्लेस पर। बट इन द टाई ब्रेक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग गुकेश वॉज फर्स्ट और अर्जुन का आया था सेकेंड प्लेस। बट ये गेम जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रेजी वे में खेला गया है। बहुत सारे आइडियाज हमको इसमें सीखने मिलने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाइए। तो चलिए अभी गेम को स्टार्ट करते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर खेला मूव पॉन टू d4, फिर आया नाइट f6, c4, e6, नाइट c3, बिशप b4। आप कहोगे कि ये तो एक बहुत ही नॉर्मल ओपनिंग है, बहुत ही नॉर्मल निम्जो इंडियन डिफेंस वाला स्ट्रक्चर है। अब आया मूव पॉन टू f3, c5। ये चीज मैं एक्चुअली मेरे वीडियोस में हमेशा बताता हूँ, वापस से बता रहा हूँ कि जब भी व्हाइट खेलता है पॉन टू d4, ब्लैक को c5 खेलना ही चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके खेलो अलग अलग मौके पर। तो यहाँ पर सनन ने खेला है पॉन टू c5, और ये मूव इंपॉर्टेंट इसलिए है तभी ब्लैक को फाइटिंग चांसेस मिलेंगे अगर c5 खेला जाता है और इस तरीके से सेंटर में अटैक करते हैं। अब आया मूव पॉन टू a3, तो बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, नाइट c6, पॉन टू e4, पॉन d6, नाइट e2। बहुत ही नॉर्मल चल रहा है हर चीज, दोनों प्लेयर्स अपने अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। अब आया मूव पॉन टू h6, तो बिशप g5 यहाँ पे स्टॉप किया है ब्लैक ने, तो अभी व्हाइट वहां पर जाकर पिन नहीं कर सकता है नाइट को। रुक टू a2, क्वीन टू a5, ये वाला और एक पिन पुट किया है ब्लैक ने। अब यहाँ पर अर्जुन ने खेला मूव किंग टू f2। अर्जुन कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कैसलिंग करने की, मुझे मेरा पोजीशन अच्छा रखना है, और यहाँ से ये गेम थोड़ा अब क्रेजी होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन टू c7, पॉन टू d5, सेंटर साइड पूरी तरह से पोजीशन को लॉक करते हुए अटैक करने की कोशिश की है, नाइट e5। अब आया मूव नाइट g3, पीसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश है अर्जुन की, कैसलिंग, पॉन टू a4, क्वीन टू a5। वापस से क्वीन पहले भी आप देख सकते हो a5 पर आया था, वापस गया, अभी वो वापस लेकर आया है। ठीक है, तो बार बार क्वीन का शिफ्टिंग। सनन यहाँ पे श्योर नहीं है कि वो अपने क्वीन को एग्जैक्टली किधर प्लेस कर। अब आया मूव क्वीन टू c2, क्वीन a6, रुक टू a3, रुक टू e8, क्वीन टू a2, क्वीन टू a5। वापस से आप देख रहे हो बार बार सनन क्वीन को a5 पर रख रहा है ताकि वो ट्राई कर रहा है कि इस पॉन पर प्रेशर रहे, पीछे जाकर वो ट्राई कर रहा है कि इस पर भी प्रेशर रहे, लेकिन अभी अर्जुन ने उस पॉन को सेव कर लिया। बिशप e2, नाइट गया पीछे ऑन द g6, रुक टू d1, पॉन e5, तो यहाँ सेंटर हो चुका है पूरी तरीके से क्लोज्ड। बिशप टू d3, नाइट h7, नाइट f5, अभी गया है अर्जुन आगे अपने नाइट को लेकर। क्वीन वापस गया ऑन द d8। ये क्वीन के जो मूव्स है ना ये बार बार आ रहे हैं सनन के। सनन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली किधर रखना चाहिए क्वीन को। पॉन g3, नाइट e7, नाइट टू नाइट एक्सचेंज का ट्राई, किंग g2, सिंपल मूव्स, पॉन टू h5, नाइट बैक टू e3, रुक f8। दोनों प्लेयर्स बस वेट कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स कुछ मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रहे। हर दो तीन मूव में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, फिर दोनों प्लेयर शांत हो जाते हैं। मतलब ये किस तरह का गेम चल रहा है आप समझ सकते हो। क्वीन टू b1, बिशप d7, फाइनली फाइनल पीस को डेवलप किया है इधर। रुक गया पीछे ऑन द a2, पॉन टू h4। यहाँ पर ट्राई किया है सनन ने कि अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करे, बट यहाँ आया नाइट f5, एक्सचेंज हुआ नाइट्स का, क्वीन आया f6 पर। तो अभी सनन को एक फाइनल ये मिल रहा है कि किस तरफ से हम लोग अटैक कर सकते हैं। उसने किंग साइड अटैक ट्राई किया। अब आया मूव पॉन टू g4, रुक ए टू b8, रुक टू f1, किंग h8, पॉन h3। एक बहुत ही सॉलिड पॉन स्ट्रक्चर है इधर व्हाइट का, तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है अभी किसी भी तरीके से सनन को अटैक करने के लिए। अर्जुन जिसने कैसलिंग नहीं किया था, बट किंग को ऐसे पोजीशन में रख दिया है कि वो लाइक आप कैसलिंग काइंड ऑफ पोजीशन नहीं बोल सकते हो। रुक टू g8, a5, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे बहुत फंस चुके हैं फिलहाल। क्वीन गया पीछे ऑन द e7, रुक टू b2,
यहां से इस ओपन फाइल को यूज करने की कोशिश की है अर्जुन ने, बिशप c8, बिशप e3, फाइनली ये बिशप मूव हुआ। स्टार्टिंग से वो बिशप मूव ही नहीं हुआ था, अब जाके वो बिशप फाइनली मूव हुआ है। ओके, अभी आया मूव क्वीन टू d8, क्वीन e1, क्वीन टेक्स पॉन, फाइनली फाइनली सनन को वो पॉन मिल गया इतने सारे क्वीन मूव्स करने के बाद। पॉन टू f6, ओके, पूरी तरह से पैरालाइज करने की कोशिश की है पॉन पुश। अभी यहाँ पर नाइट टेक्स पॉन मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो भी सकता था, बट यहाँ ऐसी चीज है कि अभी अर्जुन के पास है दो बिशप्स, तो उसको डेफिनेटली ऐसा चाहिए कि पोजिशन ओपन रहे, बट यहाँ एक्सचेंज नहीं किया है। सनन ट्राई कर रहा है पोजिशन को क्लोज करने का, और मेरे हिसाब से g6 एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तो अभी नाइट यहाँ से वगैरह एक्टिव होना बहुत मुश्किल हो चुका है, उसको अभी यहाँ से एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसे प्रॉपर स्क्वायर नहीं है एक्टिव होने के लिए। रुक टू b5 आया, क्वीन पर अटैक, क्वीन मूव हुआ ऑन e3, बिशप c1 वापस क्वीन पर अटैक, फिर किंग टू h1, बिशप d7 रुक पर अटैक है, तो पीछे आ गया ऑन द b3 ताकि इस पॉन पर सपोर्ट रहे। क्वीन a5, क्वीन ने फाइनली इस पॉन को मार दिया, और अभी अर्जुन ने अपना पॉन रिकवर कर लिया है जो पहले लॉस्ट हो चुका था ऑन द a5। क्वीन वापस गया ऑन द d8, यहाँ पर आई थिंक सनन ने सबसे ज्यादा मूव्स खेले हैं क्वीन से। पॉन टू g5 लॉक करने की कोशिश की है पूरी तरीके से इस नाइट को। बिशप f5, बिशप e2 एक्सचेंज को पूरी तरीके से अवॉइड किया है अर्जुन ने, अर्जुन चाहता है कि बिशप का पेयर अभी भी बोर्ड पर रहे। पॉन a6, रुक टू g1, पॉन टू b5, अभी सनन से रहा नहीं गया, उसने अटैक्स को स्टार्ट करने की कोशिश की। यहाँ हुआ एक्सचेंज ऑफ पॉन और एक्स्ट्रा पॉन मिल चुका है अर्जुन को। क्वीन a5, बिशप पर प्रेशर है तो सिंपली पॉन पुश और इसको बचाया। रुक टू a8, बिशप टू c6, आप देखो किस तरीके से स्लोली स्टेडीली खेलकर अर्जुन ने अपने सारे पीसेस एक्टिव किए। कभी कभी ना चेस में कुछ नहीं करना भी बहुत बेटर होता है, ये बात आप याद रख लो। हमेशा आपको जरूरी नहीं कि कुछ तो करके अटैक करना है, नहीं, आप पेशेंस रखो, आप वेट करके खेलो। इस तरीके के अगर आप गेम्स खेल सकते हो, जितना आप में पेशेंस है आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है। तो रुक गया ऑन द b8 क्योंकि यहाँ पर बिशप का था प्रेशर। रुक टू a3, क्वीन पर अटैक, क्वीन b4, रुक a7, सेवेंथ रैंक पर फाइनली जा चुका है ये रुक, ये टेक करके ऐसे चेकमेट की कोशिश है, तो इसीलिए रुक गया ऑन द f8। किंग h2, क्वीन टू c3, क्वीन वापस आया ऑन f2, पॉन टू e4, बिशप f4, अब इस पॉन पर प्रेशर, e4 आते ही बिशप f4 आ चुका है, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स पॉन, रुक गया ऑन द b8, अभी इसको मारा नहीं है इमीडिएटली अर्जुन ने, पहले खेला है बिशप b5, ये जो लाइन है इसको किया है बंद। अब वापस गया है रुक ऑन द e8, अभी फाइनली इसको एक्सचेंज कर दिया है, और उसके बाद में आफ्टर रुक e7, रुक a8, रुक g2 e1, ये जो प्रेशर है ये अभी हैंडल नहीं हो सकता, और सनन ने फाइनली किया रिजाइन। थोड़ा सा आप कहोगे कि इन बिटवीन बोरिंग, फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और फिर कुछ नए टाइप के ओपनिंग, और थोड़ा सा क्लोज्ड पोजीशन, ये सब चीजों के चलते ये गेम हुआ है कंटिन्यू, और यहाँ पर जाकर हुआ है फाइनली कंप्लीट। होप आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, आपको इसमें से बहुत चीजें सीखने के लिए मिली होगी। तो सबसे पहली चीज जो आप सीख सकते हो वो है पेशेंस, इस तरीके से आप पेशेंटली मूव करो, एक एक पीस पीसेस को आप इम्प्रूव करो। अननेसेसरी अटैक करना कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम लो बराबर, इतना भी नहीं कि आपके ओपोनेंट का टाइम आपसे बहुत आगे चला जाए, इतना टाइम लेने नहीं कह रहा हूँ मैं, बट अच्छे से टाइम लो, इंक्रीमेंट है उसको यूज करो, और जितना आप पेशेंस के साथ खेल सकते हो ऐसे गेम्स आप खेलोगे, और जब मौका मिलता है ओपोनेंट ने मिस्टेक की तब उसका एडवांटेज लिया, ये जब आप करना सीख जाओगे तब आप एक बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर बन जाओगे। ओके, तो होप आपको यहाँ पे मजा आया होगा, प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।